सारे देश में आज सारे देश में संगठन पर्व प्रारंभ हुआ है। 6 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक हमारे सभी नेता, सभी स्तर के नेता अलग अलग स्थानों पर जाकर इस संगठन पर्व के माध्यम से सदस्यता अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। आज जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भाई ये ले लिया जयप्रकाश नड्डा जी, वहीं तेलंगाना में हमारे गृह मंत्री व पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सारे देश में हर एक जिले के अंदर आज सदस्यता अभियान का शुरुआत हुई है और पोलिंग बूथ से लेकर हर देश के हर पोलिंग बूथ पर 1 माह में हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा और सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगा। आप सब जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य। हम 6 साल में सदस्यता का नवीनीकरण करते हैं और 2 साल में जब भी चुनाव होते हैं हम नई सदस्यता करते हैं, जिसमें 10% नए सदस्य बनाते हैं। हमारी 11 करोड़ सदस्यता है, हमें 2,20,00,000 नए सदस्य बनाना है। पर हमें प्रसन्नता है, पिछले दिनों सारे देश के अंदर हर प्रदेश में जो मीटिंग हुई और जो आंकड़े आए हैं, हमारे नए सदस्य लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा बनने वाले हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, प्यार, स्नेह और हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सदस्यता अभियान जब समापन होगा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। हमारे अभी 11 करोड़ सदस्य थे, अब लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह ये 15 करोड़ की ऊपर पहुँच सकती है। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर एक फॉर्म भरे, मोबाइल से 8980808080 नंबर दबाकर और सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्यालय में जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस बार यहाँ मिस कॉल देना वहीं पर फॉर्म भी भराना है, अति आवश्यक है, क्योंकि गत वर्ष हमने दिक्कत सदस्यता अभियान हमने देखा था कि लोगों के मोबाइल नंबर बदल गए थे। हमें स्पुटनिक के दौरान जो सदस्य बने थे उससे कम सदस्यों की वेरिफिकेशन हो पाया था, अब हम 100% वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए मिस कॉल के साथ फॉर्म भराने की भी हमारी योजना है। यार मुझे तो अभी जानकारी नहीं है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पर मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हाँ उसे नोटिस दिया गया। सर कई दिनों से आकाश घर से नहीं निकल रहे, किसी से मिल भी नहीं रहे, मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। शुरू में जब जेल से छूट के आए थे तो उनको कहा था कि जो करा सही करा, आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बोलने के बाद पछतावा हो रहा है या आत्मबंधन में आत्मचिंतन में है वो? अभी तो आप उनसे पूछिएगा सर, नजर ही नहीं आ रहे, पूछेंगे कहाँ पूछेंगे, आएंगे वो, विधानसभा चालू हो रही आएंगे। देखिए पिता की हैसियत से जिस प्रकार मुझे समझाना था डांटना था समझा चुका हूँ, और अब इसके ऊपर कोई सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अमृतसर ने कहा है कि बंगाल में देशी राम का कल्चर नहीं है, लेकिन अब देशी राम के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। देखिए अमृतसर का इस देश से अब नाता क्या है, वो सिर्फ यहाँ के संसाधन का उपयोग कर विश्व में भारत की बदनामी करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसलिए उनका न देश में सम्मान है न बंगाल में सम्मान है। बंगाल में भी उनके कहने से कोई वोट नहीं देता है। उनकी पार्टी जिसकी विचारधारा से अमृत सेन जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को एक भी लोकसभा में सीट नहीं मिली है, इसलिए समझ सकते हैं कि उनका बंगाल में कितना सम्मान है। क्या कल्चर है उसके लिए अमृत सेन के प्रमाण पत्र की इस देश को आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।